दिनों प्रदेश की राजनीति उबाल पर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई नेता भाजपा पर विधायक खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा इसे कांग्रेस का आपसी मतभेद बता रही है। वहीं अब इस राजनीति में नेताओं की कुंडलियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार कमलनाथ सरकार भले ही बच गई हो, लेकिन ये स्थायी भाव नहीं है। ये ग्रह दशा के अनुसार 14 मार्च 2020 के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन के चलते कमलनाथ सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। 24 अगस्त 2020 तक सरकार पर खतरा है। वहीं सरकार में भागीदारी निभा रहे मंत्री भी शनि की महादशा से प्रभावित हैं। जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी पर भी शनि की दूसरी ढैया और सज्जन वर्मा पर शनि की 7.5 का असर है। शनि राजनीति, कूटनीति एवं राज्यों के सृजन एवं विध्वंस के मुख्य ग्रह माने जाते हैं। वहीं शिवराज की कुंडली की बात करें तो वहां भी राजयोग नहीं दिखाई देता। उनकी कुंडली मीन लग्न और मीन राशि की है। स्वामी गुरु अभी दशम भाव में बैठा है, जिसके चलते राजनीतिक क्षेत्र में उछाल बना हुआ है। भाजपा से नरोत्तम मिश्रा की कुंडली में सत्ता का लाभ साफ दिखाई दे रहा है। कुंडली में मंगल का स्वामित्व है। फिलहाल गुरु का दशम भाव में प्रवेश उन्हें सत्ता की ओर लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। 1 अप्रैल से 9 जून तक इन्हें राजनीतिक लाभ मिल सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।